चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो या फिर कॉलेज में हो या पढ़ाई खत्म कर चुके हो, जो भी हो, साइन कॉस ट्यान कॉट सेक कोसेक वगैरह से आपका सामना जरूर हुआ होगा। हम में से कई ने इन पर महारत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, है ना। फिर भी एक बात शायद अभी तक आप नहीं जानते होंगे, हमने साइन कॉस ट्यान कॉट सेक कोसेक पर कई फॉर्मूलों का अध्ययन किया है, परंतु इन छह शब्दों का शाब्दिक अर्थ क्या है शायद नहीं जानते हैं। चलिए अब जान लेते हैं। सबसे पहले साइन शब्द को लेते हैं। इस शब्द की संपूर्ण उच्चारण साइन है या SINE। यह लैटिन शब्द साइनस्ट से आता है। साइनस्ट शब्द का अर्थ वक्र रेखा होता है। वक्र रेखा एक रेखा है जो सीधी नहीं होती। सन 1593 AD में इसी अर्थ के साथ इस शब्द को पहली बार उपयोग किया गया था। अब हम कॉस्ट शब्द की जांच करते हैं। पूरा अंग्रेजी शब्द कोसाइन है। थोड़ा और विस्तार से बताएं तो कंप्लीमेंट ऑफ साइन है, यानी साइन का पूरक। कोसाइन शब्द को पहली बार सन 1635 AD में इस्तेमाल किया गया था, ऐसा माना जाता है। अर्थात हिंदी में अगर आप साइन को वक्र रेखा कहेंगे तो कोसाइन को एक वक्र रेखा का पूरक कहना उचित होगा। आइए अब हम देखेंगे ट्यान कार्ट। ट्यान के लिए पूरा अंग्रेजी शब्द ट्यांजेंट है। लैटिन शब्द ट्यांजेरे से अंग्रेजी में ट्यांजेंट शब्द आया था। ट्यांजेरे शब्द का शाब्दिक अर्थ है टू टच, यानी स्पर्श करना। गणित में पहली बार इसका उपयोग सन 1594 AD में किया गया था। अंग्रेजी शब्द ट्यांजेंट का हिंदी अनुवाद स्पर्शक तथा स्पर्श रेखा होता है। संक्षिप्त नाम कॉट के लिए पूरा अंग्रेजी शब्द कोटेनजेंट है और विस्तारित नाम कंप्लीमेंट ऑफ ट्यांजेंट, यानी ट्यान का पूरक। इस शब्द को वर्ष 1635 AD में अपना इसी अर्थ के साथ पहली बार इस्तेमाल किया गया था। त्रिकोणमिति में सेकंड को सेक के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। यह भी लैटिन शब्दावली से आता है। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार सन 1593 AD में इसी अर्थ को समझाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते देखा गया था। मूल रूप से लैटिन में सेकेर नामक एक शब्द से फ्रेंच में सेकांते शब्द का जन्म हुआ। फ्रेंच होकर जब अंग्रेजी में तब्दील हुआ तब इसका उच्चारण सेकांते से सेकंड हो गया। सेकेर का अर्थ टू काट, यानी छेद करना। सेकंड शब्दों का हिंदी अनुवाद छेदक होते हैं या छेदन रेखा या कोटिज्या है। अंत में CSC या कोसेक का संपूर्ण नाम कोसेकंड है या व्यापक अर्थ में कंप्लीमेंट ऑफ सेकंड है, यानी सेकंड का पूरक है। यह शब्द गणित में सन 1706 AD में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। तो सेक एक लाइन है जो दो या दो से अधिक बिंदुओं पर एक वक्र को काटता है और कोसेक उस छेदक लाइन का पूरक है। हमने देखा छह कोण अनुपातों में से तीनों का जन्म लैटिन शब्द भंडार में से हुई है और बाकी तीन शब्द उनसे संबंधित है। उम्मीद है इस वीडियो को देखकर आप में एक स्पष्ट विचार बना होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक देकर हमें प्रोत्साहित करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।